भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आघात प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी थी? वो भी तब जब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कथा मिलती है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया और बांध कर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तब वो मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। ये जिज्ञासा उन्हें अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छिपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ये पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आँखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को भी अपने बाणों से वेद दिया था। निद्रा से न हार कर स्वीकार किया कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा तब वो मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल न होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली हम निर्हारी रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी हम निर्हारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे उससे राह मांग रहे थे उस दिन भी हम निर्हारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे हम उस दिन भी, और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था उस दिन भी हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया इन 7 दिनों में हम निर्हारी रहे। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। ये सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।